नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर समय जगत के खास शीर्षक में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय सर्व दर्जी महासभा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय संयोजक अनिल माहेश्वरी ने पदाधिकारियों से चर्चा की और सर्व सहमति से कार्यकारिणी की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी सरकार ने दर्जी समाज पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से समाज का हाल बेहाल है और उन्होंने बताया कि समाज की समस्याओं को लेकर आगामी अक्टूबर में दर्जी समाज का महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के समाज के लोग शामिल होंगे। खबर समय जगत के लिए भोपाल से के शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सर्वदर्शी महासभा के माध्यम से जो हमारे घटक हैं, नामदेव, पीपावंशी, अहिर, छिमकी, दामोदरवंशी, भरतवंशी, ऐसे पूरे देशभर में लगभग 15 खापे हमारी हैं, उन सबको संगठित करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हम हमारी संस्था काम करते हैं। तो हमने हमारे देशभर में पूरी टीम बनाकर और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे समाज को संगठित रूप से लाने का हमारा प्रयास है। इस तारतम्य में मध्य प्रदेश की जो बाड़ी है हमारी, उसकी आज हम घोषणा करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे। कैसे काम करेगा अभी आपका जो संगठन है, अभी कितनी संख्या होगी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारे तीनों घटकों की संख्या लगभग 70 लाख है। पूरे मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल, बघेलखंड और निमाड़ में अगर हम जोड़े तो 70 लाख हमारी आबादी पूरे प्रदेश में, और यदि छत्तीसगढ़ को हम अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारी आबादी 1 करोड़ के लगभग हो जाती है। और हमें इन 60 वर्षों में देश की आज़ादी के 70 वर्ष के बाद हमें शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जितना हमारा घनत्व है, जितनी हमारी संख्या है, उस मुताबिक हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया है। सामाजिक स्तर पर हमें जो शिक्षा का जो ग्रोथ बढ़ना था, उस शासन के माध्यम से नहीं मिल पाया है, इसलिए हमने संगठन पूरे देश भर में हम काम कर रहे हैं। हमारी अलग अलग संस्थाओं के कारण हमारी गिनती भी नहीं होती, हमने इसलिए सर्वदर्शी महासभा का गठन किया विगत 20 अगस्त 2017, और आज हम हमारे मध्य प्रदेश की टीम की घोषणा करते हैं। 70 लाख आपकी संख्या है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी संख्या है, क्या चुनावी साल है, राजनीति में भी इसको लेकर किस तरह की कोई टिकट की मांग या आपकी तरफ से कोई उतरने की तैयारी? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है जो भी हो, इतना बड़ा समाज देश भर में निवास करता है, अगर पूरे देश भर की संख्या हम गिने तो 4 करोड़ के लगभग हम पूरे देश भर में, और हमारा अभी तक पूरे राजनीतिक उसमें शायद 1 या 2 MLA कभी पूर्व में रहे हैं। 1 MLA रहे हैं नाथूलाल जी सिसोदिया 1985 में, और उसके पहले 1-2 दक्षिण में रहे हैं, बाकी किसी दल ने हमको इतने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसलिए हम चाहेंगे कि आगामी चुनावों में हमें प्रतिनिधित्व मिले। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।